राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध, सच दिखाने का रखते हैं तब, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से सुजीता देवी, पति विनोद कुमार सिंह, पंचायत चकग्राम बेसा वार्ड नंबर 12 प्रखंड जलालगढ़ जिला पूर्णिया। पंचायत के सुयोग्य, नेक, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार व कर्मशील महिला उम्मीदवार सुजीता देवी के चुनाव चिन्ह बल्ब छाप क्रम संख्या 2 पर नीला बटन दबाकर सुजीता देवी को विजयी बनाए। सुजीता देवी का कहना है कि मैं इसलिए सरपंच पद का चुनाव लड़ रही हूं क्योंकि मेरे चुनाव लड़ने की प्राथमिकता और उद्देश्य समाज सेवा होगी। साथ में पंचायत में मारपीट, दंगा फसाद, जमीन जगह का विवाद, जो भी समस्या होगी मैं बैठकर ग्राम कचहरी में पंचायत द्वारा उचित फैसला करेंगे और मैं चाहती हूं कि एक बार चुनाव आयोग मुझे लड़ने का मौका अवश्य दे। मैं मानवता के आधार पर सभी के साथ न्याय करूंगी, हर समय सुख और दुख में जनता के साथ रहूंगी। सिर्फ एक बार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से जनता से अपील है कि वो मुझे जीत का आशीर्वाद दे। निर्वाचन संख्या 5 के सभी वासियों को दीपावली व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय विनोद कुमार सिंह जी, चक पंचायत जो है महिला सीट है जी, जो मेरा पत्नी खड़ा है और उनका नाम है सुजीता देवी जी, और मैं सरपंच पद से पत्नी को लड़ा रहे हैं जी। कुछ कारण है, मैं भी यहाँ बहुत दिन से हूँ और सरपंच पद से लड़ने का कारण है कि कानूनी व्यवस्था कुछ ऐसा लोकल में अपना पंचायत में जो भी स्थिति है, जो अभी सरपंच थे उन लोग से नहीं हो पा रहा है जी, जी। ठीक है, जिसके कारण से हमको एक कदम उठाना पड़ा जी। ठीक है, और मैं जनता से यही कहूँगा कि अच्छे को चुने और सेवा करने का मौका दें और सबसे बढ़िया काम करेंगे। बहुत ऐसा मैटर है इस चक पंचायत में फंसा हुआ, जो इसको सुलझाना है। ठीक है, जो जमीनी विवाद भी है, कुछ कानून व्यवस्था का भी स्थिति खराब है, इसको भी सबको मेरे को सुधार करना है। अगर सर आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर सुजीता देवी को सरपंच के रूप में यहाँ का जनता चुन लेते हैं तो पहला आपका मुद्दा क्या रहेगा पंचायत? पहला मुद्दा रहेगा कि कुछ ऐसा जमीनी विवाद भी है जो हमारे आपस में बहुत सारा है, ज़्यादा करके इस पंचायत में, उसको भी सुलझाना है। कुछ हमारे शिक्षा का स्थिति बहुत ख़राब है, स्कूलों का, जो कि मास्टर है, हर चीज़ है, सरकार हर व्यवस्था दे रही है, लेकिन उस पर कोई नेता, लोकल नेता ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई भी नहीं, पढ़ाई नहीं हो रहा है। उस चीज़ को पढ़ाई का व्यवस्था को पहले हमको ठीक करना है। स्वास्थ्य पे क्या करना है? स्वास्थ्य पे भी उतना तो नहीं है जानकारी, लेकिन स्वास्थ्य पर भी जो भी सामने आएगा उसको मैं ठीक करने का। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी बहुत जल्द आ रहा है टाटा स्काई, डीटीएच, नेट विजन के साथ साथ लोकल नेट।